हेलो गाइस, आई एम रेखा, वेलकम टू माय चावला कुकिंग। आज हम लेफ्ट ओवर इडली, जो हमारी इडली बच जाती है, उससे मैं आपको दो प्रकार के स्नैक्स बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लेफ्ट ओवर इडली से बहुत ही इंस्टेंट एक स्नैक्स तैयार करते हैं, जिसका नाम है कॉर्नफ्लेक्स इडली। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे इसे। सबसे पहले इडली को हम लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे लंबे पीसेस कट किए हैं, आप कोई भी पीसेस में कट कर सकते हैं। सभी इडली को इसी तरह से हमने कट कर लिया है। अब एक बोल लिया है मैंने, उसमें 3 चम्मच मैदा, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी बनानी है। पानी डालते जाते हैं इसमें। आप मैदे कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डालकर इसे मिला लेते हैं। हमारा रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लेक्स का यूज किया है, इसमें काफी मात्रा में आयरन और विटामिन्स रहते हैं। यहाँ पे हम इसे यूज करेंगे कॉर्नफ्लेक्स को। ये जो हमने तैयार किए थे इडली के पीसेस को, इसमें हम थोड़ा सा ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सांबर मसाला का यूज किया है, आप रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन्हें। अब जो कोटिंग है, इसमें हम इन्हें पूरा कोट कर लेते हैं इडली को। फिर कोट की हुई इडली को कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह से पूरा रैप कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से पूरी इडली पे कॉर्नफ्लेक्स लग चुका है। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब हम इडली को डीप फ्राई करते हैं, अच्छे से क्रंची होने तक। गोल्डन कलर का फ्राई करना है आपको। जब सर्व करना हो आप तभी फ्राई कीजिए, अदरवाइज आप इसे कोट की हुई इडली को आप फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको सर्व करने हो तभी आप फ्राई कीजिए। सी, हमारी 2 मिनट में बन गई कॉर्नफ्लेक्स इडली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रंची। सभी पीसेस को इस तरह से फ्राई करना है और इसे सेजवान सॉस के साथ सर्व करें। हमारा नेक्स्ट आइटम इडली सेजवान, बट उसके लिए हमें एक सेजवान सॉस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ सेजवान सॉस के लिए मैंने लिया है 1 बॉल में बारीक कट की हुई लहसुन, अदरक, अनियन, प्याज बारीक कट की है, 3 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच सोया सॉस और 4 to 5 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट सॉस। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। यहाँ पर ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इसीलिए हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। उसमें हम बारीक कट किए हुए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, इन सबको डाल देते हैं। हमें बारीक कट करके ही डालना है, हमें मिक्सर से ग्राइंड नहीं करना है और ग्रेट भी नहीं करना है। इस तरह से बारीक कट करना है चॉपर में। इन्हें अच्छे से सोते करते हैं तेज आंच पर। ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करने देंगे, लाइट ब्राउन कलर का हमें रखना है इन प्याज को। इस तरह से हिलाते रहिए तेज आंच पर। हमें सेजवान सॉस को बहुत अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि यही सेजवान सॉस हमारा अच्छा बनेगा तो हमारे नेक्स्ट आइटम जो रहेंगे वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो सेजवान सॉस को बहुत अच्छे से बनाइए। हम यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला देते हैं। अब हम यहाँ पर 1 से 1.5 ग्लास पानी का यूज करेंगे। हमें यहाँ पर अच्छा पानी डालना है, 1 से 1.5 ग्लास जितना, क्योंकि जब ये बॉईल होगा
तो फिर जो फ्रेग्रेंस है सॉसेस का और मसालों का वो अच्छे से सॉस में एब्सॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हम अभी सॉसेस डाल देते हैं, रेड चिली सॉस। सॉसेस को आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अदरक लहसुन को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी क्वांटिटी बड़ा करना है या कम करना है उसके हिसाब से सॉसेस को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमारे सॉसेस भी उसमें आ चुके हैं, अब हम तेज आंच पर अच्छे से उसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जितना ये अच्छा बॉईल होगा उतना ही अच्छा हमारा सेजवान सॉस बनेगा। ढक्कन लगा देते हैं, बीच बीच में इसे चलाते रहिए और जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता है हमें अच्छे से पकाना है सेजवान सॉस को। अब हम इसमें एक चम्मच शुगर ऐड कर देते हैं और देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर हाफ टी स्पून, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारा रेडी हो चुका है सेजवान सॉस, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में 15 से 20 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे चपाती, ब्रेड, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा सेजवान सॉस रेडी हो चुका है, अब हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम जिसका नाम है इडली सेजवान। यहाँ पे हमने जो कोटिंग लिया था मैदे कॉर्नफ्लोर का उसमें हाफ टी स्पून ऑरेंज कलर यूज किया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इडली को भी लंबे पीसेस में कट कर लिया है, इन्हें अच्छे से कोट करके हम इसे भी डीप फ्राई कर देते हैं। इस तरह से आपको सेजवान पनीर बनाना हो तो सेजवान सॉस को आप हमेशा अपने घर पे फ्रिज में स्टोर कीजिए और इडली को फ्राई कीजिए, फिर जब आपको सर्व करना हो आप इमीडिएटली दोनों को मिक्स करके सेजवान इडली बना दीजिए। देखिए हमारी इडली फ्राई हो चुकी है, अब हम एक कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। बिना ऑयल डाले हम इडली के पीसेस को डाल देते हैं, हमें यहाँ पर ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेजवान सॉस में काफ़ी ऑयल रहता है। अब यहाँ पे एक बोल मैंने सेजवान सॉस का लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोनों को। सी विद इन 2 मिनट्स हमारी सेजवान इडली रेडी हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसे स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निश कर लेते हैं। और रेडी हो चुका है हमारा सेजवान इडली। आपको ये सेजवान इडली कैसे लगी प्लीज मुझे आप कमेंट करें। देखिए हमारे लेफ्ट ओवर इडली से हमने आज 2 आइटम रेडी कर दिए हैं, सेजवान इडली एंड कॉर्नफ्लेक्स इडली। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।